नमस्कार मित्रों, आपका एग्री अकादमी में स्वागत है। मैं आज आपको मूली की सफल खेती कैसे करें इसके विषय में बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हो कि मूली एक हमारी अनाज वाली प्रमुख फसल है और ये जड़ वाली फसलों में प्रमुख स्थान रखती है। ये परागण वाली फसल है, इसकी हरी फलियाँ, पत्ते, जड़ खाने के काम में लाई जाती है और इसका जो जड़ वाला भाग है इसको फ्यूजी फॉर्म कहते हैं। ये हाइपोक्रोटाइल का रूपांतरण होता है जो खाने के काम आता है और इसको हम शीतोष्ण जलवायु से लेकर के उष्ण और उपोष्ण यानी कि ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट सभी जगह उगा सकते हैं। इसकी पत्तियां, जड़ सब्जी बनाने के काम आती हैं, अचार, इसमें विटामिन और खनिज पदार्थ मात्रा में पाए जाते हैं। तीखापन, गंधक युक्त पदार्थ पाया जाता है जिसको आइसोथायोसाइनेट कहते हैं। जड़ें बहुत कम समय में तैयार हो जाती हैं, यूरोपीय प्रजातियाँ तो आपकी 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती हैं। अन्य फसलों के साथ इसको अंतर फसल के रूप में ले जा सकता है और सीधे बढ़ने वाली फसल है। इसमें आलू, बैंगन, भिंडी, मक्का और गन्ना आदि के बीच में जो स्थान खाली होता है प्रारंभ की अवस्था में, इस फसल को मिश्र या मिक्सिंग फसल के रूप में भी उगाया सकता है और दो खेतों के बीच में जो मेड़ होती है उस मेड़ पर भी मूली को उगा करके हम फसल प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका वानस्पति बनाना है, हम इसका रेफेनस सटाइवस कहते हैं। ब्रेसिकेसी कुल का पौधा है, इसमें 2N नंबर या क्रोमोजोम 18 होते हैं और इसकी भी उत्पत्ति एशिया विशेषकर चीन, भारत एवं यूरोप से हुई है और इसमें जो तीखापन है वो 4-methyl-3-butenyl आइसो थायोसाइनेट के कारण होती है, युगंधक पदार्थ है। इसका उद्गम स्थान एशिया यूरोप है, यूरोपीय प्रजातियों के पूर्वज भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जंगली रूप में पाए जाते थे और इसका जो एशियाटिक प्रजाति हैं इनकी उत्पत्ति चीन, भारत और जापान के भूमध्य सागरीय क्षेत्र तटीय क्षेत्रों में पाई गई है और इसके पूर्वज जंगली रूप में पाए जाते हैं। भारतवर्ष में इसे प्राचीन काल से उगाया जा रहा है। मिस्र और यूनान वासियों में मूली अत्यंत लोकप्रिय थी, इसलिए कुछ लोग मूली की उत्पत्ति को अनुमानतः दक्षिण पश्चिम यूरोप के किसी भाग से भी मानते हैं। बाद में यह वर्ष 1548 में इंग्लैंड और 1629 में अमेरिका में पहुंचे। मूली की उत्पत्ति एक जंगली पौधे रेफेनस रेफेनिस्टम से हुई है। यूरोपीय मूली के पूर्वज भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और सामान्यतः कल्टिवेटेड टाइप जो है ये कई प्रकार की होती है, जिसमें रेफेनस सटाइवस वैरायटी रेटिकुला, रेफेनस सटाइवस वैरायटी नाइजर, रेफेनस सटाइवस वैरायटी मोंगरा, रेफेनस सटाइवस वैरायटी और लिलीफेरा। मोंगरा है, इसमें लंबी फली खाने के काम आती हैं और नाइजर ये मुख्य रूप से जर्मन में उगाई जाती है और रेटिकुलाटा शीतोष्ण क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें जंगली पौधे रेफेनस रेफेस्ट्रम, रेफेनस मेरिटम एंड रेफेनस लेंड्रा ये पाए जाते हैं और इनमें मुख्य रूप से ये पहचान है कि इनका जो तना होता है उसमें बैंगनी रंग होता है। यदि इस प्रकार का मिक्सचर हमारी सामान्य प्रजातियों में कहीं पाया जाता है तो इसका मतलब है कि ये उसमें मिलावट है, इससे उसको पहचाना जा सकता है। सिनोनिमस इसके कुछ रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें रेफेनस सटाइवस वैरायटी और लिलीफेरस, रेफेनस सटाइवस वैरायटी हॉर्टेंसिस, रेफेनस सटाइवस वैरायटी लॉन्गिपिन्नेटस जिसमें वो लंबी लंबी फलियां आती हैं और फलियों की लंबाई 1 फीट से 1.5 फीट तक हो जाती है और ये इनकी सब्जी बनाई जाती है। रेफेनस सटाइवस वैरायटी ओलिलीफेर, रेफेनस सटाइवस वैरायटी ओलिलियोफॉर्मिस। जलवायु के हिसाब से यह शीतकालीन फसल है और इसकी खेती ग्रीष्म काल में भी की जा सकती है। इसके लिए कुछ प्रजातियां जैसे आपकी पूसा चेत की है ग्रीष्म में हो जाती है और शीतकाल में आपकी बहुत सारी प्रजातियां हैं। औसतन इसको 10 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान की होती है। यूरोपीय प्रजातियां हैं इनको 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और एशियाटिक प्रजातियों को 15 से 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पर ये अच्छी उगाई जा सकती हैं। बीज अंकुरण के लिए 10 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान भूमिका होना चाहिए। यदि इससे कम तापमान होता है तो बीज का जमाव ठीक से नहीं हो पाता है। इसका उपयोग हम कई रूपों में कर सकते हैं। इसको सलाद बना के खा सकते हैं, जड़ों का पका करके सब्जी बनाई जा सकती है,
जड़ों की, पत्तियों की, फलियों की सब्जी बनाई जाती है। इसका अचार बनता है, मिश्रित है दूसरी फसलों के साथ, जिसमें गाजर, शलजम, गोभी के साथ मिला के बना सकते हैं। इसका बीज है जिससे तेल निकाला जाता है, और वो तेल मुख्य रूप से साबुन बनाने के काम आता है। इसके अतिरिक्त इसमें औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। जड़ों में पोषक तत्व प्रति 100 ग्राम खाने योग्य भाग्य में इस टेबल में दिखाया गया है, जिसमें आपको कार्बोज 3.4%, कैल्शियम 50 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, फास्फोरस 22 मिलीग्राम और पोटेशियम सबसे ज़्यादा 129 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पाया जाता है। और इसमें विटामिन सी 15 मिलीग्राम और इसमें कैलोरी ऊर्जा 84 किलो कैलोरी ऊर्जा हो जाती है। वाट्स एंड मेरिल के अनुसार 1964 में इसने रिपोर्ट किया है, जड़ों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा इस टेबल में दिखाई गई है, जिसमें कैल्शियम 37 मिलीग्राम, फास्फोरस 260 मिलीग्राम, लोहा 1.0 मिलीग्राम, पोटेशियम 15 मिलीग्राम, विटामिन सी 24 मिलीग्राम और ऊर्जा इसमें 32 किलो कैलोरी पाई जाती है। तो इन्होंने यूरोपियन और एशियाटिक दोनों प्रजातियों को अलग अलग दिया है। इसके अतिरिक्त पत्तियों में पोषक तत्वों कितने पाए जाते हैं उसका भी वर्णन इसमें दिया गया, जिसमें कार्बोज पत्तियों में 4.1%, प्रोटीन 3.9%, ऊर्जा 32 किलो कैलोरीज, विटामिन सी 21 मिलीग्राम और इसके अलावा निकोटिनिक अम्ल आदि इसमें पाए जाते हैं। भारतवर्ष में मूली का क्षेत्रफल, उत्पादन, उत्पादकता इस टेबल में दिखाई गई है। इसमें इसका क्षेत्र वर्ष 2013-14 में 173,033 हजार हेक्टेयर था, जो 2016-17 में 203 हजार हेक्टेयर। उत्पादकता इसकी 2013-14 में 14.3 थी, जो कि 2016-17 में 14.23 है, और इसका उत्पादन 2013-14 में 2,484 हजार मीट्रिक टन था, जो 2016-17 में बढ़कर 2,889 हजार मीट्रिक टन हुआ है। मूली में बहुत सारे औषधि गुण पाए जाते हैं। मूली पेट के लिए बहुत ही अच्छी है, और इसमें कब्ज, अपच, पीलिया, पेट दर्द, हिचकी, पथरी, गला बैठना आदि बहुत से विकारों को दूर करने की क्षमता है। इसमें अनेक पोषक तत्व हैं। मूली खाली पेट खाने से पेट की अफारा दूर करता है। पत्तियों की सब्जी बनाई जाती है, जिससे कब्ज दूर होती है, अपच को दूर करता है। पीलिया रोग में मूली का रस चीनी के साथ मिलाकर प्रातःकाल पीने से ठीक हो जाता है। मूली के पत्तों में खाने से हिचकी बंद हो जाती है, और इसके मूली का रस नमक और काली मिर्च के साथ मिला के खाया जाए तो पेट का दर्द ठीक हो जाता है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए जाड़े के दिनों में इसको सेवन करने के लिए सुबह के समय पर करना चाहिए और दोपहर को करना चाहिए, रात के समय मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। 1 लीटर जल में 40 ग्राम बीजों को उबालें और उसमें आधा रहने पर उसे पीने से मूत्राशय की जो पथरी होती है वो दूर हो जाती है, और इस प्रकार से बीजों को पीसकर गर्म जल के साथ सेवन करने से भी गला ठीक हो जाता है। इस प्रकार से इसमें बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। अब यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि एशियाटिक मूली और यूरोपीय मूली, ये दो प्रकार की मूली होती है, जिसमें क्या अंतर है। एशियाटिक मूली होती है जिसकी जड़ें बड़ी लंबी होती हैं और कठोर होती हैं, जबकि यूरोपीय मूली छोटी होती है और मुलायम होती है। जड़ों में एशियाटिक मूली में तीखापन अधिक होता है, यूरोपीय वाली में कम होता है। एशियन एक वर्षीय है जबकि यूरोपियन द्विवर्षीय है। इनका बीज उत्पादन पहाड़ों पर होता है। एशियाटिक मूली में जड़ के निर्माण के लिए तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि यूरोपियन 10 से 15 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। एशियाटिक मूली की जड़ें लंबी और तक्कू आकार होती हैं, जबकि यूरोपीय मूली की छोटी और मध्यम आकार की गोल अथवा तक्कू आकार नहीं होती हैं। प्रमुख प्रजातियाँ इसमें पूसा रश्मि, जापानी सफ़ेद, मेवार देसी, पूसा चेतकी, ये एशियाटिक प्रजातियाँ हैं, जबकि स्कारलेट, ग्लो, फ्रेंच ब्रेकफास्ट, 25 डेज आदि कुछ प्रजातियाँ यूरोपीय प्रजातियाँ हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से इसको बोने का समय भी अलग अलग क्षेत्रों में, उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में इसकी बुआई अगस्त से लेकर जनवरी में किया जाती है, और जो शीतकालीन है उन्हें सितंबर से मार्च तक कर सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी बुआई मार्च से लेकर के मई तक कर सकते हैं। दक्षिण भारत के मैदानी क्षेत्रों में अक्टूबर से दिसंबर तक एशियाटिक प्रजातियों की बुआई कर सकते हैं, और इसी पीरियड में सितंबर से अक्टूबर तक यूरोपियन की कर सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में अप्रैल से जून तक इसकी खेती की जाती है।
बीज बोने का उचित समय और प्रजाति के अनुसार अलग होता है। दिसंबर से जनवरी तक हम पूसा हिमानी, जो एक भारत से निकाली गई है लेकिन ये यूरोपियन प्रजातियों की उस वर्ग में आती है, इसकी बुवाई दिसंबर से जनवरी तक कर सकते हैं। मार्च से अगस्त तक पूसा चेतकी और अगस्त से अक्टूबर तक पूसा देसी को बो सकते हैं। अक्टूबर दिसंबर तक जापानी व्हाइट और अन्य शीतोष्ण वाली प्रजातियों को बोया जा सकता है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में इनकी बुवाई सितंबर अंत से लेकर नवंबर मध्य तक की जाती है। कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। दक्षिण भारत में इसको जुलाई से नवंबर तक बोया जा सकता है और कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 10 से 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में इसे मार्च से जुलाई तक बोया जाता है और कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। उत्तरी भारत के तराई क्षेत्रों में मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक इसको बो सकते हैं। 25 से 30 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखी जाती है और पौधे से पौधे की 8 से 10 सेंटीमीटर रखती है। तो इस प्रकार से मूली बोने के क्षेत्र के हिसाब से और प्रजाति के अनुसार अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर इसकी बुवाई की जाती है। उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में सितंबर से मार्च तक इसको बो सकते हैं। तराई और भावर में सितंबर से मार्च तक बो सकते हैं। पहाड़ी निचले क्षेत्रों में सितंबर से मध्य अक्टूबर तक और मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च से अप्रैल तक, ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में अप्रैल से जून तक और दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में से अप्रैल से जून तक उगाया जा सकता है। मूली की खेती लगभग हर प्रकार की भूमि में की जा सकती है, लेकिन हल्की तुमट भूमि जिसमें जीवांश अच्छा हो इसकी खेती के लिए अच्छा होती है और भूमि का पीएच मान 6 से 6.8 या 7 के आसपास होना चाहिए। भारी भूमि में जड़ों का विकास ठीक से नहीं हो पाता है, उसमें नमी अधिक रहती है, इसलिए जड़ कठोर रहती हैं। जड़ जो बनती हैं उनको बढ़ने के लिए पर्याप्त वो जमीन का माहौल से जड़ को बढ़ने के लिए नहीं मिलता है, इसलिए जड़ें पतली रह जाती हैं और विकृत हो जाती हैं। इसलिए हल्की भूमि जिसको कि आप कह सकते हैं बलुई तुमट या दुमट भूमि, इसकी खेती के लिए सबसे उत्तम होती है और जड़ों में चिकनाहट नहीं होती है। भारी भूमि में जड़ों में रेशे उत्पन्न हो जाते हैं, देखने पर जड़ रोगी लगती है, बाजार भाव उसका कम लगता है और जड़ों में पार्श्व शाखाएँ निकल आती हैं जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। इसलिए भारी भूमि में इसकी खेती नहीं करनी चाहिए, हल्की भूमि में इसकी खेती करनी चाहिए। पौधों की वृद्धि और विकास एवं बीज उत्पादन के लिए खेती इसकी बलुई दुमट से लेकर दुमट भूमि में आसानी से की जा सकती है। जहाँ तक खाद और उर्वरक का सवाल है तो एक पोषक तत्व है और दूसरी फसलों की भांति इसको भी आवश्यकता है। इसमें गोबर और कंपोस्ट की खाद 25 से 30 35 टन प्रति हेक्टेयर, जिसको कि 20-25 दिन पहले खड़े खेत में डाल करके और खेत की जुताई कर देनी चाहिए। इसके अलावा इसमें भूमि की जाँच कराने के बाद यदि उसमें फास्फोरस पोटाश डाला जाए तो आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होता है, लेकिन यदि इस तरह की सुविधा नहीं है तो 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 80 से 100 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर दी जाती है, जिसमें आधी नाइट्रोजन संपूर्ण फास्फोरस पोटाश खेत की अंतिम जुताई के समय पर डाला जाता है और बची हुई नाइट्रोजन को दो भागों में बांट करके चौथाई भाग बुवाई के 20-25 दिन बाद और शेष 40 से 45 दिन की अवस्था में। जल उत्पादन हेतु बीज बोने का उचित समय पूसा देसी अगस्त से सितंबर बो सकते हैं। पंजाब सफ़ेद, ये दोनों प्रजाति ऐसी हैं जिनको अगस्त से सितंबर तक उगाया जा सकता है। पूसा रश्मि कल्याणपुर नंबर 1, इसको सितंबर से अक्टूबर तक उगा सकते हैं। जापानी व्हाइट को अक्टूबर से दिसंबर तक उगाने पर अच्छी पैदावार मिलती है। पूसा चेतकी चूँकि गर्मी की ऋतु के लिए है, 40 सेंटीग्रेड तापमान होने पर भी ये खेत अच्छा उत्पादन देती है, इसे मार्च से लेकर अगस्त तक उगा सकते हैं। पंजाब अगेती अप्रैल अगस्त तक उगा सकते हैं। पूसा हिमानी को दिसंबर से फरवरी तक उगा सकते हैं। व्हाइट आइसकिल को अक्टूबर से नवंबर तक, फ्रेंच ब्रेकफास्ट को अक्टूबर नवंबर तक और रैपिड रेड व्हाइट टिप को अक्टूबर से नवंबर तक जब शीतकालीन समय होता है तो उगाया जाता है। जहाँ तक वृद्धि कारकों का सवाल है, यदि बीज को 24 घंटे NA के घोल में 20 पीपीएम का घोल बना के उसमें उगाया जाता है तो उस बीजों का अंकुरण अच्छा हो जाता है। इसी प्रकार से GA3 का घोल बना करके 10 पीपीएम उसमें 24 घंटे अगर बीज को उगाया जाता है और उसके बाद छाया में सुखा के फिर कवकनाशी दवा से उपचार करके इसको बोते हैं तो अंकुरण अच्छा होता है।
और साथ ही पैदावार बढ़ जाती है। जड़ों के उत्पादन हेतु बीज की मात्रा और उपचार, एशियाटिक प्रजातियों का बीज 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है और यूरोपीय प्रजातियों का 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है, और बीज को बोने से पहले कवकनाशी दवा थीरम या कैप्टान 2 से 3 ग्राम दवा 1 किलो बीज में के लिए पर्याप्त होती है, और बीज को अच्छी तरह से उसमें कवकनाशी दवा मिला करके उसको बो सकते हैं। या आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें 8 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त होता है। बीज बोने की दूरी, जैसे कि पहले बता चुका हूँ, एशियाटिक प्रजातियों को 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर और कतारें बनाएं, और कतारों में 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज की बुआई की जाती है। और यूरोप में प्रजातियों को, क्योंकि ये छोटी होती हैं और कम बढ़ती हैं, इसलिए 20 सेंटीमीटर दूरी पर कतारें बनाते हैं और कतारों में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई की जाती है। अब कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं इसमें, एशियाटिक प्रजातियाँ आपको बताए जा रहे हैं, इसमें जापानी वाइट, पूसा देसी, पूसा रश्मि, पूसा चितकी, पंजाब सफ़ेद, पंजाब अगेती, पंजाब पसंद, काशी श्वेता, काशी हंस, कोयम्बटूर वन, अरका निशांत, चाइनीज पिंक, कल्याणपुर एक, जौनपुरी, बॉम्बे लॉन्ग वाइट, ये कुछ स्थानीय प्रजातियाँ हैं जो कि क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। हिसार मूली नंबर एक हिसार से निकाली गई है। इसी प्रकार से यूरोपीय प्रजातियों में वाइट आइसकिल, पूसा हिमानी, रैपिड रेड, वाइट टिप, स्कारलेट ग्लोब, स्कारलेट रॉन्ग, चाइनीज पिंक, फ्रेंच ब्रेकफास्ट, 25 डेज, 40 डेज, ये कुछ प्रजातियां हैं जो कि यूरोपियन प्रजातियों के अंतर्गत आती हैं। अब विधि, जहाँ तक सवाल है कि क्षेत्र के हिसाब से लोग अलग अलग उगाते हैं, लेकिन सबसे अच्छी विधियाँ जो हैं, समतल खेत में भी बुआई कर सकते हैं आप, मेड़ों पर बुआई करना ज़्यादा उपयुक्त होता है, और जब ड्यूलर के रूप में अगर बुआई करते हैं तो इस विधि में आपको बीज कम लगेगा और उसमें अच्छी पैदावार मिलती है। सीड्रिल से इसकी बुआई कर सकते हैं, कूण विधि से कर सकते हैं, और बिखेर के कर सकते हैं, लेकिन आजकल बिखेर के करना उचित नहीं है क्योंकि इसमें बीज अधिक लगता है और बहुत सारा बीज बाहर रह जाता है जो जमता नहीं है। तो इसलिए अच्छा ये है कि आप जो है समतल, कूण विधि या रेज मेथड को अपना करके खेती करते हैं तो आपको अधिक से अधिक पैदावार प्राप्त होगी। अब बात आती है सिंचाई की, इसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक 30 से 40 सेंटीमीटर नीचे जाती हैं, इसलिए इसमें 18 एकड़ इंच पानी की आवश्यकता होती है, और कुछ प्रजातियाँ ऐसी हैं जिसमें जड़ें 50 से 60 सेंटीमीटर तक गहराई तक जाती हैं। तो बीज बोने से पहले पहले आप उस खेत में देख लीजिए कि नमी है कि नहीं है, यदि नमी नहीं तो एक सिंचाई परिवार के रूप में लें, और उसके बाद बीज उगने के बाद आवश्यकता अनुसार मौसम के हिसाब से और मृदा के अनुसार इसकी सिंचाई दे सकते हैं। 10-15 दिन के अंतराल से सिंचाई करते रहना चाहिए, खेत में हल्की नमी बनी रहे और आवश्यकता से अधिक पानी खेत में नहीं रोकना चाहिए। कर्षण कार्यों में निराई गुड़ाई बहुत आवश्यक है, यह क्योंकि खरपतवार अगर जमते हैं तो निराई गुड़ाई के द्वारा ये निकाले जा सकते हैं। सब्जी की फसल को 40 दिन तक पहले बीज बोने के बाद उसको खरपतवार रहित रखना बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा खरपतवारों से हानि होती है। उसके बाद दूसरा कार्य है आपका टॉप ड्रेसिंग, जो बची हुई नाइट्रोजन है उसको आप जो है टॉप ड्रेसिंग करिए, टॉप ड्रेसिंग करके फिर मिट्टी चढ़ा दीजिए। दूसरा है थिनिंग या विरल करना, जब बीज बोते हैं तो बीज काफ़ी घना बोया जाता है, और उस समय अगर बीज को आप विरल या थिनिंग नहीं करेंगे तो आपकी मूली की जड़ जो है वो काफ़ी पतली बनेगी, इसलिए विरल करना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद जब विरल कर देते हैं तो जब पौधे लगभग 3 से 4 इंची हो जाते हैं तो उस समय एक विरल उस समय कर दें, और पौधों को आप साग के लिए या चारे के लिए उपयोग कर सकते हैं। या फिर 8 से 10 सेंटीमीटर के पौधे हो जाते हैं तो एक दूसरी बार थिनिंग करते हैं, और उसके बाद फिर धीरे से उनमें टॉप ड्रेसिंग करके मिट्टी चढ़ा देते हैं। खरपतवारों का नियंत्रण के लिए, कि इसके लिए उथली जड़ों वाली फसल है, इसलिए निराई गुड़ाई खुरपी की मदद से या हैंडो की मदद से करनी चाहिए, और पहली निराई गुड़ाई खरपतवारों के उगने से पहले ही आप कर लेते हैं बीज बोने के बाद तो ज़्यादा उचित रहता है। जब इससे ही खरपतवार उगते हैं उनको आप गुड़ाई कर दीजिए। यदि ज़्यादा खेत में आप खेती कर रहे हैं मूली की, तो उसके लिए खरपतवार नाशी दवा लासो 5 लीटर 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके बीज बोने के बाद और उगने से पूर्व भी आप छिड़काव कर देते हैं तो इससे खरपतवारों को रोका जा सकता है। ये ध्यान रहे कि जब आपने दवा का प्रयोग किया है तो फिर आपको 25-30 दिन तक कोई निराई गुड़ाई नहीं करनी है। इसके अतिरिक्त यदि लासो दवा आपको नहीं मिलती है तो आप पैंडी मिथिलिन नाम के स्टाम्प नाम से दवा आती है, इसकी 1 किलो सक्रिय हुआ
800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके इसका भी छिड़काव आप बीज बोने के बाद और उगने से पूर्व कर सकते हैं। अब जड़ों की खुदाई आदि की समस्या आती है कि मूली की जो खुदाई कब करें, तो ये प्रजाति के अनुसार जब उनका आकार हो जाता है, जो यूरोपियन प्रजातियाँ हैं उसमें 25 दिन से लेकर के आपकी 30-35 दिन तक मूली तैयार हो जाती है, तो उस समय आप खुदाई करनी चाहिए और खुदाई से पूर्व खेत में एक हल्की सिंचाई कर दें तो अच्छा रहेगा, इससे उनको आसानी से उखाड़ने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार से जो हमारी एशियाटिक प्रजातियाँ हैं वो हमारे 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती हैं, तो प्रजाति के अनुसार उनको आप खुदाई कर सकते हैं। खुदाई के लिए आप कल्टीवेटर, ये फावड़ा या खुरपी का इस्तेमाल करें और खेत में हल्की सिंचाई कर दें, जिससे कि उनको जड़ों को उखाड़ने में आसानी होती है। उखाड़ने के बाद फिर जड़ों को आप इकट्ठा करें, इकट्ठा करने के बाद उनको साफ पानी से धोइए और धोने के बाद फिर उनको आकार के अनुसार में चयन करिए और चयन करने के बाद फिर उनको टोकरियों में सजा करके बाजार भेजिए, तो इससे आपको बाजार भाव अच्छा मिलेगा। अब आती है बात पैदावार की, तो पैदावार में जहाँ तक ये आपकी कर्षण क्रियाओं को बोने के समय पर प्रजाति के अनुसार बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। सामान्य रूप से यूरोपीय प्रजातियों की उपज 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और एशियाटिक प्रजाति की पैदावार 150 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पाई गई है, और बीज की पैदावार यूरोपीय प्रजाति 6 से 8 क्विंटल और एशियाटिक प्रजाति की 10 से 12 क्विंटल तक हो जाती है। अब बात आती है कि इसमें कौन कौन सी प्रमुख बीमारियां हैं। इसमें आर्द्र विघटन बहुत लगता है, बीज बोने से यदि आपने कवकनाशी दवा से उपचार नहीं किया है तो प्रारंभ में ये लगेगा और इससे फसल नष्ट हो जाएगी, इसलिए बीज का उपचार ठीक से करें। दूसरा आता है सफ़ेद किट एल्ब्यूगो कैंडिडन, इसकी प्रतिरोधी प्रक्रिया का निशान एक प्रजाति है, इसको उगाएँ और इसको रोकने के लिए आप कैरासिन दवा 0.06% का घोल बना करके उसका छिड़काव करिए या 45.25% का घोल बना के छिड़काव करिए। अल्टरनेरिया ब्लाइट लगती है, इससे बचाने के लिए आप गर्म पानी से उपचार करिए, यानी 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी गर्म करके और उसके बाद फिर बीज को 15-20 मिनट के लिए पोटली बांध के उसमें डाल दीजिए, उसके बाद छाया में सुखाइए और छाया में सुखाने के बाद फिर कवकनाशी दवा से उपचार करके उसे बो सकते हैं। और जहाँ तक दवा छिड़कने का सवाल है, तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या ब्लाइटॉक्स के नाम से दवा आती है, इसकी 0.25% का घोल बना करके इसका छिड़काव करते हैं तो इस बीमारी से बचा सकता है। इसके बाद आती है बीमारी रेडिश येलो, ये फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के कारण होती है, यह दूसरा फंगस में फ्यूजेरियम रेफिनी होता है। इसके बचाव के लिए आप डाइथन जेट 78 का 0.25% का घोल बना करके उसका छिड़काव करते हैं तो इससे रोग से बचा सकता है। मूली का मोजेक भी लगता है, ये माहू की वजह से होता है, और माहू को कंट्रोल के लिए आप मेटासिस्टा 0.1% का घोल बना के 15 दिन के अंतराल से 2-3 छिड़काव करते हैं तो माहू को बचा सकते हैं। वैसे मूली जल्दी तैयार हो जाती है और खाने के लिए अगर आप दवा छिड़केंगे तो इसका दवा का प्रभाव काफ़ी लंबे समय तक रहता है, तो आप 2 से 3 ग्राम सर्फ या साबुन का चूड़ा भी घोल बना करके उसका छिड़काव कर देते हैं तो माहू को मारा जा सकता है। सर्कोस्पोरा पर्ण धब्बा इसमें लगता है, जो सर्कोस्पोरा ब्रैसिकाई के कारण होता है, इसमें डाइथन 45 का 0.25% का घोल बना करके उसका आप छिड़काव कर देते हैं तो इससे रोग से बचा सकता है। इसके अलावा ब्लैक रॉट लगता है, जो जैनथोमेनॉन कम्पेटेस ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि गर्म पानी से उपचारित करें आप बीज को और एग्रीमाइसिन दवा का 20 ppm का घोल बना करके इसके साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा मिला लें और उसके बाद इन दोनों दवाओं को मिला करके छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त मृत रोमिल आशिता या डाउनी मिल्डू, इसको पेरेनोस्पोरा इसको फंगस है जिसकी वजह से लगती है, और इससे बचाव के लिए आप डायथन 45 या रेडोमिल दवा का 0.25% का घोल बना करके छिड़काव करते हैं तो इससे बचा सकता है। अब आती है एक बीमारी रूट रोट, इससे जड़ सड़ जाती है, फाइटोप्थोरा के कारण होता है, मेगास्पर्मा फाइटोप्थोरा मेगास्पर्मा इसका कॉजल एजेंट है, और इससे बचाव के लिए आप पौधों को गर्म पानी से उपचार करें, फसल चक्र अपनाएं और आसपास जो जिससे पहले कोई फसल उसमें बोई गई है उसमें मूली ना हो या सरसों की वाली फसल ना हो, तो अच्छा उचित फसल चक्र अपना करके खेती करेंगे तो आपको ये बीमारियां नहीं होंगी, और दवा का समय से प्रयोग करें तो बीमारियां नहीं लगेंगी। अब बात आती है प्रमुख कीट, कीट में माहू मैंने आपको बताया, माइजस पेरिस और ब्रैसिकाई के नाम से होता है,
इससे 0.1% का गोल बना करके मेटासिस्टॉक या रोगर या एमिडाक्लोरपीड एक दवा आती है, 0.1% का गोल बना करके इसका छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद फिलीबीटिल फाइलोटेट्रा स्पेसीज के नाम से है, इस रोकथाम के लिए आप एमिडाक्लोरपीड दवा का छिड़काव कर सकते हैं। एक सरसों की सा मक्खी होती है, मस्टर्ड साफ्लाई, इससे बचाव के लिए आप इसके जो विशेषकर जो प्यूपा के बाद जो कैटरपिलर होते हैं वो इसके नुकसान करते हैं, तो इनसे से रोकथाम के लिए आप सेविन दवा 0.25% का घोल बना करके या इंडोसल्फान का 0.25% का घोल बना करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। और जब निम्फ थोड़ा बढ़ जाता है तो ये रस चूसने लगती है, तो इस समय मारने के लिए इसको रोगर या मेटासिस्टर दवा का 0.1% का घोल बना करके या एमिडाक्लोर दवा का 0.1% का घोल बना करके छिड़काव करते हैं, तो इससे अपनी फसल को बचा सकते हैं। अब बात आती है बिहार हेयर कैटरपिलर की, तो इससे बचाव के लिए मैंने आपको पिछले भी कई फसलों में बताया है कि खेत के चारों तरफ आप जो है गड्ढा खोद करके और उसमें पानी भर दीजिए, तो बिहारी का हेयर कैटरपिलर बाहर से खेत में नहीं आएगा। और उसके ऊपर मेड़ के ऊपर आप इस तरह से नहीं कर सकते, तो मेड़ के ऊपर कोई भी फॉलिडॉल डस्ट या DDT या बेंजीन हेक्साक्लोराइड दवा को डाल दें, जिससे कि उनकी आवागमन रुक जाएगा, क्योंकि ये कीड़ा ऐसा है कि ये फलियों पत्तियों को नोच नोच के खा जाता है और उससे फसल को बहुत हानि होती है। अब एक बीमारी होती है फ्लोडी, ये विशेषकर बीज वाली फसल में लगती है, इसमें कैलेक्स और कैरोला मिल करके अपर मिल जाते हैं और सांप जैसे उनके फन के आकार की स्थिति हो जाती है, उसमें कोई फलियां नहीं बनती हैं और दाना नहीं बनता है, और जो उसके नोट्स होती हैं वो लंबी हो जाती हैं, उसमें फलत नहीं होती हैं, पत्तियां एवं तरह कठोर और खुरदरा हो जाता है, फसल को इससे बहुत हानि होती है। और सरसों वर्ग की जितनी भी फसलें हैं सब में नुकसान करती है। इसके उपचार के लिए है कि बीज बोने से पूर्व आप बीज को गर्म पानी से उपचार करिए, 50 डिग्री सेल्सियस पर पानी को गर्म करके 10-15 मिनट के लिए उसमें बीज को डुबो कर रखें, उसके बाद फिर कवकनाशी दवा से उपचार करके बोएं, फसल चक्र अपनाएं और खेत में अधिक नमी, बहुत ज़्यादा एसिडिक सॉइल नहीं होनी चाहिए। अब आती है कि हम जड़ों को भंडारण कैसे करें। सामान्य ताप पर मूली की जड़ों को 3 से 5 दिन तक हम आसानी से रख सकते हैं। शीत भंडारगृह में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 90 से 95% आर्द्रता के साथ इसको 60 दिन तक रखा जा सकता है। इसके अलावा कुछ इसमें विकृतियां भी पाई जाती हैं, इसमें पीथीनेस है, पीथीनेस मुझसे होती है कि आपने अगर समय से जड़ तैयार हो गई हो और आपने नहीं उखाड़ा है तो उसमें उसका जो पिथ वाला भाग है वो पफी जैसा हो जाता है और उसके बाद वो खाने योग्य नहीं रहता है, तो आप समय से उनको करिए, खेत में अधिक नमी नहीं डालिए और अधिक नाइट्रोजन प्रयोग मत करिए, तो आप इससे विकृति से बच सकते हैं। दूसरा होता है फॉर्किंग, जब जड़ का विकास होने लगता है तो बीच में किसी तरह का रुकावट आ, जैसे आपने कच्चे गोबर का प्रयोग किया है या बहुत खेत में पत्थर हैं या बहुत ज़्यादा व्यवधान उत्पन्न करने वाली चीज़ें हैं, कंकड़ हैं, तो उससे जड़ें जो हैं विकसित हो रही है उस समय उसमें बीच में रुकावट हो जाती है, तो उससे एक जड़ की कई जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं, इस प्रकार की चीज़ को फॉर्किंग कहते हैं, तो आप इन व्यवधानों को हटा देंगे तो ये फॉर्किंग की विकृति उसमें नहीं होगी। एक होता है स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग का मतलब होता है जड़ों का फटना, ये कभी कभी ऐसे लंबे समय तक आपने पानी नहीं दिया और फिर बहुत दिन हो गए और तेज़ धूप पड़ रही है और उस समय फिर आप पानी देते हैं तो इसके अचानक पानी की नमी से तापमान कम होता है, क्योंकि जड़ जो है काफ़ी गर्मी की वजह से उसका जमीन गर्म रहती है और आपने पानी ठंडा पानी दे दिया तो उससे जड़ें फट जाती हैं, तो इस चीज़ों को आप अवॉइड करिए तो आप फसल को बचा सकते हैं। ये कुछ फोटोग्राफ दिखाए गए हैं, यहाँ पर आपको ये फ्रेंच ब्रेकफास्ट दिखाई जो गुलाबी रंग की है, उसके बाद ये बैंगनी रंग की है 25 डेज, उसके बाद ये जर्मन जाइंट लाल रंग की प्रजाति है, ये यूरोपीय प्रजाति है, ये कुछ पूसा रश्मि एशियाटिक प्रजाति है, पूसा चेतकी की है, इसमें जड़ें देख रहे हैं आप छोटी होती है 4 से 6 इंच की, और इसकी ब्लंट नीचे घेर वाला हिस्सा नुकीला नहीं होता, ब्लंट होता है, और ये गर्मी के लिए बहुत अच्छी है। ये है पूसा चेतकी, थोड़ा लंबी वाली होती है, इसमें 2 सिलेक्शन हो चुके हैं, एक छोटी जड़ों वाला एक बड़ी जड़ों वाला, तो ये बड़ी जड़ों वाली है। ये पूसा हिमानी है, इसको आप शीत ऋतु में उगा सकते हैं, ये पूसा से निकाली गई है और इसकी पैदावार अच्छी होती है।
और ये चाइना रोज है, इसकी जड़ें लाल होती हैं और इसमें तीखापन कम होता है और इसकी पैदावार भी 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। ये चाइनीज पिंक है, इसमें भी जड़ें ज़्यादा नुकीली नहीं होती, 1 इंच से 4 से 6 इंच की जड़ें बढ़ती हैं, उसके बाद में फिर ये ब्लंट हो जाती हैं और इसकी पैदावार भी लगभग 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। आशा है आज का आप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न अथवा सुझाव हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मेल कर सकते हैं। भविष्य में एग्रीकल्चर से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल एग्री अकादमी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।